नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक में बड़ी जिम्मेदारी। विश्व बैंक के विभिन्न संगठनों में 20 साल का अनुभव। कोविड-19 के दौर में टीकाकरण पर WHO ने जताई चिंता। विश्व के 80 मिलियन बच्चों के जीवन पर संकट। अप्रैल 2020 से पोलियो टीका पर WHO ने लगाई थी रोक। सरकार ने मत्स्य पालन को मजबूती देने के लिए जारी किया फंड। मछली उत्पादन को 2024-25 तक 2.2 करोड़ टन तक बढ़ाने का लक्ष्य। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झा के लिए यह जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि उनको यह जिम्मेदारी तब सौंपी गई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से भारी नुकसान हुआ है। विश्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि आभास झा ग्लोबल लीड्स, अन्य प्रैक्टिस मैनेजरों और ग्लोबल सॉल्यूशन ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि न केवल बड़े पैमाने पर नए और उच्च गुणवत्ता वाले समाधान पेश किए जाएं, बल्कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के सहयोग के लिए वैश्विक ज्ञान और उसके ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बताते चलें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम को वैश्विक व्यवहार सीमाओं को जोड़ने और उनके साथ तालमेल बढ़ाना ही आभास झा की प्राथमिकता होगी। विश्व बैंक में अहम जिम्मेदारी निभाने जा रहे आभास झा ने 2001 में विश्व बैंक को ज्वाइन किया था। इसके पहले आभास झा बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में निदेशक रहने के अलावा लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई क्षेत्र, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी काम किया है। इस अहम जिम्मेदारी से ठीक पहले आभास झा पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बतौर प्रैक्टिस मैनेजर कार्यरत थे। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव इनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। गौरतलब है कि विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है और इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना आवश्यक होता है। विश्व बैंक के साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक जहां नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ऋण देता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। आपको बता दें कि IMF और विश्व बैंक में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि IMF के संसाधनों का उपयोग धनी राष्ट्र भी कर सकते हैं। विश्व बैंक समूह में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास खंड या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र या इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSID, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी MIGA जैसी 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में पोलियो, हैजा और खसरा जैसी बीमारियों के टीकाकरण को लेकर चिंता जाहिर की है।
दरअसल कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं के मद्देनज़र एक वर्ष से कम आयु के तकरीबन 80 मिलियन बच्चों में टीकाकरण न हो पाने की दशा में उनका जीवन जोखिम में है। WHO ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि खसरा, पोलियो, हैजा जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए दशकों से चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न होने से आने वाले समयों में अधिक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पोलियो जैसे अभियानों में टीकाकरण और जागरूकता अभियान में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होना होता है। इस परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन न हो, इसके मद्देनज़र अप्रैल 2020 में WHO ने पोलियो अभियान को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया था। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश देशों में मार्च अप्रैल महीने के दौरान खसरा, पोलियो और हैजा जैसे रोगों के उन्मूलन के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों को पूर्णतः बंद कर दिया गया है या आंशिक रूप से चलाया जा रहा है। WHO ने कहा कि इस महामारी के दौरान सुरक्षित टीकाकरण के संबंध में जल्द ही एक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफ्रीका के 27 देशों में खसरा अभियान और 38 देशों में चलाए जा रहे पोलियो के 46 अभियानों को रोका गया है। वर्तमान में भले ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन आज भी भारत और उसके पड़ोसी देशों में यह एक गंभीर समस्या बनी है। इन देशों में इनका गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि यदि किसी देश में लगातार 3 वर्षों तक एक भी पोलियो का मामला नहीं आता है तो WHO उसे पोलियो मुक्त घोषित कर सकता है। गौरतलब है कि 2011 में पश्चिम बंगाल में भारत में पोलियो का अंतिम मामला देखा गया, जिसके मद्देनज़र 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मत्स्य पालन को मजबूती देने के लिए सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि में 9,407 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, जबकि 4,880 करोड़ रुपए राज्यों की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा 5,763 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी लाभार्थियों की होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम तथा दूसरा हिस्सा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का है। इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 90% की हिस्सेदारी केंद्र की, बाकी 10% की हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में यह हिस्सेदारी 60-40 का होगा, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किया जाएगा। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा नहीं है वहां 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। वहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। इस स्कीम को 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक चलाया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना और वर्ष 2024 तक इस क्षेत्र से जुड़े किसानों की आय को दोगुना करने के अलावा मत्स्य पालन में ज़रूरी कमियों को दूर करना और टिकाऊ और जवाबदेह ढंग से मछली पालन के कामकाज को अपनाते हुए 2024 तक मछली उत्पादन को 2.2 करोड़ टन तक बढ़ाना है। गौरतलब है कि पीसी कल्चर के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों में 13-22% प्रोटीन, विटामिन B12 और B6 के साथ अन्य अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मणिपुर के खुदोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में शामिल किया है। खुदोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संस्था वाई आल की एक क्राउडेड फंडिंग पहल है, जिसका मकसद LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और क्वीर समुदाय के लोगों को दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है।
इस संगठन में 100 से अधिक कार्यकर्ता कार्यशील हैं, जिन्होंने कोविड 19 के इस दौर में पूर्वोत्तर में सराहनीय कार्य किया है। अमेरिका ने मुक्त आकाश निगरानी संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। इस संधि से बाहर निकलने की मुख्य वजह अमेरिका ने रूस को बताया। अमेरिका ने कहा, रूस लगातार इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। मुक्त आकाश निगरानी संधि 1 जनवरी 2002 में लागू की गई थी, जिसमें रूस, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी को मिलाकर कुल 34 देश शामिल थे। इस संधि के तहत इसमें शामिल 34 देश एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना अपने टोही विमान उड़ा सकते हैं। आपको बताते चलें कि भारत और जापान ने भी एक ऐसी ही संधि पर 2017 में हस्ताक्षर किया था। भारत और जापान ने इस संधि को ओपन स्काई नाम दिया था। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुसार किया है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न राज्यों से होकर प्रवासी मजदूर बिना किसी बाधा के गंतव्य स्थानों तक जा सकें। 23 मई को संपूर्ण विश्व में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। यह दिवस अमेरिकी एनजीओ टॉर्टाइज रेस्क्यू द्वारा कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए जागरूकता हेतु मनाया जाता है। दरअसल यह एनजीओ विश्वभर में मौजूदा कछुओं और उनके खत्म हो रहे निवास की रक्षा के लिए लोगों की मदद करता है। अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग विश्व के सभी महाद्वीपों में कछुआ पाया जाता है। मात्र 4 इंच का बोग कछुआ सबसे छोटा, जबकि तकरीबन 1500 पाउंड वजन वाला लेदरी कछुआ सभी कछुओं में सबसे बड़ा कछुआ है। भारत के असम राज्य में दीमा हसाओ में कछुआ झील के नाम से विख्यात हेजोंग झील में लगभग 400 से 500 कछुआ निवास करते हैं। इसके अलावा इस झील में हील टेररपिंस प्रजाति का दुर्लभ कछुआ भी पाया जाता है। गोविंदा राजलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह नाबार्ड में ही मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और वे मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का स्थान लेंगे। श्री चिंताला की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर जुलाई 2022 तक के लिए की गई है। गौरतलब है कि नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को की गई। यह कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प आदि के उन्नयन और विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।